ना परमात्मा ने आपके ऊपर कितनी मेहर कर रखी है और ये बात सुनने को मिलती है। यो मन तो ढीठ हो रहा है, अब इसकी ढीठता भी इन इस ज्ञान ते और समाधान भक्ति ते या ठीक हो जाएगी, इसका भी फिर लगन लग जाएगी। अब चल, क्योंकि आत्मा इसका सहयोग नहीं देती फिर, और जब तक आत्मा इसका सहयोग देती है तो ये कितना रागनी गाड़ियां दौरा बैठेगा, कितना ताश खेलनियां दौरा, कितना एक लाए सैर सपटे करता हंडे जा रागनी गाता है, तो या फिर अपने धंधे में जुड़ा रहेगा उस काल वाले कोल्लू में, वहां राज्य रख है। और जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है फिर इसका सहयोग नहीं देती है, यूं तक करे ना कर मोरे रख है, फिर देखांगे तो रहने दे, या नु कहना फिर नहीं एक ताल आएंगे तो, या फिर इसने ठठा ले है, इस तो तगड़ी होगी भैया इसकी। पहले हमने क्या कर रखा था, मन की खुराक गणी डाल रखी थी और आत्मा की खुराक थी ही नहीं, अब हमने आत्मा की खुराक इतनी कर दी कि मन की खुराक कर रही है कोनी, बहुत कम होगी तो यू आप पे मुरझान लग जाए थोड़े दिन में और इसके पीछे पीछे आ जाएगा ओलेगा। अब आत्मा इसके पीछे पीछे थी, यू ड्राइंग जा था तेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा है कि फिर चलेंगे सत्संग में, ये दरिया सत्संग में बूढ़े होकर नाम लिया करें, यानी इस तरह की दंत कथा इस काल ने जो फैला रखी है, किंवदंतियां फैला रखी हैं, उनसे ये आत्मा को डराए रखे था। अब इस परमात्मा के अमर ज्ञान से आत्मा उभर गई, इसको बेरा पट गया कि तो बकाव है, तो फिर यह इसका सहयोग नहीं देती, सौ काम छोड़ गए और मालिक के चरणों में आ जाती है।